दिल के घर में लाए हैं तारीफ के कुर्बानी हम, यीशु के घर में लाए हैं और हम चढ़ाते हैं धन्यवादों की भेंट अपनी और हम चढ़ाते हैं धन्यवादों की भेंट धन्यवादों की भेंट अपनी और हम चढ़ाते हैं धन्यवादों की भेंट We bring sacrifice of praise unto the house of the Lord Hallelujah We bring sacrifice of praise unto the house of the Lord and we offer unto you a sacrifice of thanksgiving and we offer unto you a sacrifice of praise praise the Lord good morning Holy Spirit प्रभु आप सबको आशीष करें सुबह सुबह वापस में आपके घर में आने के लिए मौका प्रभु को धन्यवाद हमारी दिल की तमन्ना कि आप आशीष पाएं हमारी मेहनत प्रभु में परिश्रम जो मैं प्रभु में करता हूँ व्यर्थ नहीं जाए बड़ा ध्यान से सुनना क्या प्रभु बोलता है इस जगह पर प्रभु की उपस्थिति से आया हूँ We come here with the presence of the Holy Spirit. जो कुछ प्रभु बोलता है वही हम बोलते हैं. Whatever God does to say, we say it. हम किसी को किसी की महिमा नहीं प्रभु की महिमा करने आते हैं. We are not come here to lift up someone. We come to lift up the name of the Lord. हम अपनी महिमा करने नहीं आते हम प्रभु की महिमा करने आते हैं. We are not come to glorify our name, but to glorify God's name. प्रभु की महिमा होता है तो हम आशीष पाते हैं. When we glorify God's name. कितनी अधिक है प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करना Because you have done so much for us. क्योंकि आपने हमारे लिए कितनी अधिक किया Where we to count all the blessing you have given us? जो भी हम अपनी आशीष को गिनेंगे It is indescribable, uncountable. वो गिनती में कम गिनती से बढ़कर है प्रभु. Thank you, Daddy. धन्यवाद यीशु. And we know, as Psalms 139 says. भजन संहिता 139 में कहा है. The plans that you have made for us. तूने जो प्लान और योजना मेरे लिए बनाया है. It's more than the sand of seashore. और रेती से बढ़कर है प्रभु जी. Lord, if you put all the sands together, there are so much. और रेती को सब एक साथ इकट्ठा करेगा कितनी अधिक है प्रभु जी That much big are your plans for us. आपकी योजना और युक्ति हमारे लिए उससे बढ़ गई। So grateful for all your plans. और सारी आपकी युक्ति और योजना के लिए धन्यवाद प्रभु जी We just love you, Daddy. हम आपको धन्यवाद करते हैं और आपसे Worship and honor you. हम आपकी आराधना करते हैं आपकी सम्मान करते हैं We pray for all our viewers. हमारी सारी दर्शकों को आशीष करो। We pray for them, their family, their children. हम उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना। Their possessions. और उन वो जो पाए हैं परमेश्वर। Everything we cover in the blood of Jesus. हम यीशु के लहू से उन्हें ढक। All our families under the blood of Jesus. सारी परिवारों को तेरे लहू से मोहर लगा। Protect them, guide them, preserve them. उन्हें सुरक्षा कर, सिखा और चला प्रभु जी। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। We give you all the glory. सारी महिमा तुझे देता हूँ. Thank you, Holy Spirit, you're leading and guiding us. धन्यवाद यीशु मसीह आप हमें अगुवाई कर रहे हैं. Everything is under your hands. सब कुछ आपके हाथों में समर्पण करता हूँ. In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं. All God's people said. सारे लोगों ने कहा. Amen. आइए पढ़ेंगे निर्गमन की किताब 14 उसकी 15 और 16. Exodus chapter 14 verse 15. तब यहोवा ने मूसा से कहा And the Lord said unto Moses, तू मैं
तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? Wherefore thou cry unto me? इसलिए कि आज्ञा दे कि यह यहाँ से कुछ करे. Speak to unto the children of Israel that they go forward. और तू अपनी लाठी ले उठाकर Lift up thy rod. अपने हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा. Spread out thy hands over the sea. अब वो दो भाग हो जाएंगे. And divide it. तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर. And the children of Israel shall go on dry ground. स्थल कर चलेंगे. Through the midst of the sea. रोमियो 8 उसके 14. रोमियो 8:14. इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा से चलाए चलते हैं, and if children, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। 8:14. Those who are led by the Spirit of God, they are the sons of God. जो लोग परमेश्वर की आत्मा से चलाए चलते हैं, they who are led by the Spirit of God, they are the children of God. वो परमेश्वर की संतान है। Amen. Amen. आज मेरी विषय है स्ट्रैटेजिक बैटल इन क्राइस्ट. स्ट्रैटेजिक बैटल इन क्राइस्ट. प्रभु की प्लान प्रेरित युक्ति हमारा जीवन युद्ध भर रहा है. God's plan for us is a warfare plan. मसीह में जब रहते हैं युद्ध हमारा विजय के लिए ही रखा है. When we walk in Christ, our battle is always for victory. पिछले दिन मैंने सिखाया लीडरशिप के बारे में. I spoke last week about leadership. विश्वासी लोग की सबसे बड़ी कमजोरी है वो लीडर के अधीन में नहीं आना चाहते. The biggest weakness of any believer is that they don't want to come under submission of authority. आपको नहीं मालूम लीडरशिप पावरफुल है. You will not know that leadership is so powerful. यीशु मसीह खुद. Jesus himself. मैं कुछ भी करता हूँ मैं जो पिता को देखता हूँ वही मैं करता हूँ. Jesus himself said, "What I see the Father doing, that's what I do." यीशु मसीह खुद लीडर होकर उसके ऊपर एक लीडर था पिता परमेश्वर. Jesus himself being a great leader always had an authority over him that is God the Father. मूसा बहुत बड़ा अद्भुत है उसने अपने अपने योशुआ को एक लीडर बनाया. Moses was an extraordinary leader, but he trained up Joshua as his next successor. Elisha ne Elisha ko leader banaya. Elijah made Elisha as his next leader. Amen. Amen. Leadership is both. Kyunki aap accountable ho jata hai. Because you are accountable to God for your leadership. Accountable to God, accountable for apna jeevan ke liye accountable ho jata hai. हमें लेखा देना पड़ेगा परमेश्वर के प्रति और मनुष्य के प्रति. हर व्यक्ति परमेश्वर के पास जाएंगे तो उसे अपने जीवन का लेखा देगा. Every man who goes to God should give an account of him to God. तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है आपके जीवन में लीडर होना. It's very important that you be a leader which is according to God's will. प्रभु ने सिद्धांत दिया है. God gives us principle of leadership. पर कई लोग कलीसिया में आते हैं दो तीन महीना थोड़ा सीख लेते फिर तुरंत खुद घोषणा कर देते पास्टर हो जाना. Some people come to the church and they are for 2-3 months and then they start telling that I am a pastor. अद्भुत बात. सेवा करो. Very unusual. सेवा करो एक लीडर के अधीन में रहो. मेरा भी खुद लीडर मेरी आत्मिक पिता है. एक दिन मौका मिलेंगे प्रभु के प्रभु 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 हमारे बीच में लेके आएंगे. I too have a spiritual father. You've given an opportunity. I will bring him. I respect them. I respect all my leaders. I honor them. I honor all उनका my leaders. उनका word to word मैं लेता हूँ. I take word to word from them. कितने लोग सुन रहे हैं? I mean, if you're listening to आप autobiography पढ़ो भाई. Read the autobiography of great men and women of God. Men and women of God और world लोग world में जो successful people हैं उनको autobiography उनके जीवन में mentors रहते हैं. Read the successful leaders of this world also. They too have a mentor over there. विश्वासी जीवन में no mentor, nothing नहीं चाहिए. मैं खुद, मैं direct issue से connected हूँ. मैं सब कुछ Some people don't want mentor. They say I'm directly connected to God. मैं leadership बहुत सिखाता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ leadership की important. I speak a lot about leadership because I know the important significance of leaders. एक बड़ा leader तभी बनता है वो एक किसी leader के अधीन में रहता है. A big leader is formed when he himself submits himself to another leader. पर आज मेरी विषय वो नहीं मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ कल मैंने बताया. My topic is on that. I spoke about yesterday, but we'll go forward to another topic. Hallelujah. Hallelujah. हमें परमेश्वर pattern रखा है. God has given a pattern for our life. Bible हमारा pattern है.
बाइबल इज अ पैटर्न जो व्यक्ति विजय हुआ वो हमारे लिए एक पैटर्न है Everyone who was victorious in the Bible, they are a forerunner, a pattern for us. Musa हमारे लिए एक अद्भुत लीडर है. Moses was an extraordinary leader. आज हम उसके विषय में वापस देखें. Can we look into Moses' life? पहली बात strategic battle in Christ में हमको हर युद्ध जीतने का है तो हमको प्रभु से सुनने का है. Strategic battle in Christ, if we want to win the battle, we have to listen to the voice of God. कान हाथ में रखो बोलो. Put your hands on your ears. Say, God, open my ears. ताकि तेरी आवाज को सुनूं. That I may hear your voice. एक व्यक्ति तीन आवाज को सुनता है. A man can hear three kinds of voice. एक परमेश्वर की आवाज. One is voice of God. एक शैतान की आवाज. One is Satan's voice. खुद की आवाज. One self voice. हमें तीन आवाज को वो सुनता है. Three voices that he hears. आप पहचान नहीं पाएंगे तो आप आशीष नहीं पाएंगे. If you don't discern what kind of a voice is speaking to you, will not be blessed. परमेश्वर यानी कि पवित्र आत्मा की आवाज बहुत ही जेंटल रहता है. When you hear God's voice, it's always a gentle voice. हमें हर बैटल को हमको विजयी होने के लिए हमको परमेश्वर की आवाज सुननी है. To be victorious in every battle, we have to hear the voice of God. तभी हम आत्मिक जीवन में उन्नति पाएंगे. Then we will find honor and exaltation in the spiritual battle. मूसा ने परमेश्वर की आवाज सुना. We see here that Moses heard the voice of God. और उसने छड़ी उठाया. He took the rod. निर्गमन 14 उसका 16 में लिखा है. क्या हुआ? छड़ी उठाया और तू अपने छड़ी उठाकर अपने हाथ समुद्र में ऊपर बढ़ा और वह दो भाग हो जाएगा. तब इस्राएली समुद्र होकर स्थल स्थल चला जाएगा. God spoke to Moses and said, lift up thy rod and stretch out thy hands over the sea and divide it. The children of Israel shall go on dry ground to the midst of the sea. Amen. मूसा ने प्रभु की आवाज सुना. Moses heard the voice of God. तबने वो छड़ी उठाकर समुद्र के ऊपर रखा. Therefore he could raise up the rod and put it over the sea. जो इंस्ट्रक्शन प्रभु देता है हम प्रभु की आवाज सुनेगा तभी हम वही इंस्ट्रक्शन को उसी तरह कर सकते. Whatever instruction we hear from God, we should obey it, understand it, and do it. Then we are blessed. और 21वां वाक्य में कहता है, क्या कहता है? तब मूसा ने अपने हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया. Exodus 14:21 says, and Moses stretched out his hand over the sea. यहोवा ने रात भर प्रचंड परवाही चलाई. And the Lord caused the sea to go back by a strong east wind. समुद्र को दोबारा करके जल ऐसा हटा दिया. Made the sea dry land. और जैसे उसके बीच में सूखी होकर वो चल पड़ा. Waters were divided. And the children of Israel walked in the midst of the sea dry ground, and they got victory. मिस्री लोगों से मिस्री सेना से परमेश्वर के लोग यहूदी लोग विजय पाए. They found, the Israelites found victory over the people of Egyptians. कई बार आप आवाज नहीं सुनेगा पर आपका लीडर आवाज पक्का सुनेगा. Maybe you don't hear the voice of God, but your leader can hear the voice of God. Amen. Connected रहो. Therefore be connected to your leader. आप the leader से connected रहो. Be connected to your leader. आप पक्का आशीष पाए. You'll definitely be blessed. सुनो मत दूसरे लोग को जो बोलता है ये वो करो. No, God has kept the leader for you. First, you पहचान करो उसे और उसके साथ connected रहो आप आशीष पाए. Don't listen to the people's voices around you. Do this, do don't do that, do this. But you be connected to your leader. Listen to him and follow it. वो वचन से बोलेंगे ये करेंगे वो करेंगे पर आए तो पल भर का बच्चा है वो. They may say yes, we'll do like this according to the word of God, but they are still immature in Jesus. Maturity hai nahi. They don't have maturity in Christ. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. वापस मूसा ने आवाज सुना. उसने वापस हाथ बढ़ाया. पानी वापस आया. सारी मिस्री लोगों को मारे. दुष्टता को खत्म कर दिया. Again Moses stretched his hands after everyone crossed over Israelite, and when he stretched his hand, the sea came back and all the enemies, Egyptians, were drowned. Musa aur Musa ke saath 18 log vijay kyun hua? Kyunki Musa ne Parmeshwar ki awaaz ko suna. Moses and 18 lakh people with him was victorious. Why? Because Moses heard the voice of God. Leader khud ke liye nahi, khud ke logon ke liye awaaz sunta hai. The leader doesn't hear the voice for himself, but hears the voice for the people also. आप जो वचन सुनते हैं परमेश्वर हमें देता है वो वचन कानों से हम सुनते हैं मनन करते हैं अभ्यास करते हैं तब आपके सामने वो लेके आता है.
When we hear the voice of God, we have to hear with our ears, try to understand it, then it will come to pass. प्रभु की आवाज सुनना बहुत जरूरी है. It's so important to hear the voice of God. आपके कानों में यीशु की लहू लगाइए, बोलिए मेरे को हर रोज यीशु की आवाज सुने. Every day morning when you rise up, put the blood of Jesus on your ears and say, I want today to hear the voice of God. हर रोज आपको विजय पाना है तो प्रभु की आवाज सुनना जरूरी है. If you want to be victorious in your life, you have to hear the voice of आप God. आप अपने जीवन में व्यस्त रहेगा, प्रभु की आवाज नहीं सुनेगा. If you get yourself busy in this world, you will not hear the voice of God. आप समय निकालेगा प्रभु के लिए, प्रभु आपसे बातें करेगा. When you take time for God, God will start speaking to you. Amen. समय निकालो, घुटना टेको, बोलो प्रभु, Daddy, I love you. Take time for the Lord. Go down on your knees and say, Daddy, I love you. Papa, I love you. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Crisis के समय में जब प्रभु के सामने घुटना टेकेगा, सारी परिस्थितियां टूट के गिरेगा. When during the time of crisis and adversity, when you lift up your voice and hear the voice of God, God will bring you out of that crisis. बलवा करने वाले दुष्ट लोग जब आपके सामने आएगा, आप प्रभु के सामने रोएगा, प्रभु आपको उत्तर देगा. When people, rebellious people come before you, and when you cry to the Lord, God will give you an answer. मालूम है मूसा सबसे ज्यादा प्रभु से सुना. Moses was the leader who always heard the voice of God. पुराने नियम में जिसको यीशु मसीह की प्रगति करने नियम, उसने इतनी अधिक मूसा ने परमेश्वर को सुना, कितना अधिक मैं और आप नए वाचे में प्रभु को सुन सकते हैं. In the Old Testament we hear voice, Moses heard the voice of God. How much more? In this New Testament, New Covenant, we should hear the voice of God. अपने कानों को ट्यून करो ताकि पवित्र आत्मा की जेंटल आवाज को सुन सके. In tune your ears to hear the voice of the Holy Spirit. प्रभु हर लड़ाई एक तरह नहीं, अलग तौर से जितवाता है. Lord always gives us victory in every battle in a different kind of strategies. प्रभु की स्ट्रेटजी ही अलग है. The strategy of God is very different. नए नियम में हम देखते हैं, एक व्यक्ति को परमेश्वर चंगा किया, मिट्टी में थूक के उसकी आंख में लगा, वो देखने लगा. We see in one part in the New Testament, Jesus had a different strategy for healing too. One of the blind man was healed by just putting spit on the mud and applying on his eyes. दूसरा वही अंधा व्यक्ति को परमेश्वर जब यीशु मसीह जा रहा था, ये दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, यीशु मसीह बोला तुमको क्या चाहिए, ले तू देख खलास. Another man, you know, Bartimaeus, and he cried out to God, Jesus, son of David, have mercy on me. He was blind man. And he said, yes, you want to see? Touch his eyes, he said, see. परमेश्वर के पास हजारों तरकीबें आपको आशीष देने की. God has thousands of strategy to help you. हजारों plans और हजारों ways है प्रभु आपको आशीष देने की. Jesus has thousands of strategy and ways to help you out. पर हमारा crooked shortcut चीजों को छोड़ दो. But forsake the crooked shortcut ways of your life. आप सोचते आप शाना है, बहुत बुद्धिमान है, आशीष नहीं मिलेगा प्रभु से. If you think you are too smart and I can do everything, you will not be blessed. पर आप नम्र होगा और विश्वास है. दो व्यक्ति प्रभु एक व्यक्ति में दो चीज देखते हैं, एक विश्वास और दूसरा नम्रता. There are two things that the Lord sees in a person. First is faithfulness. और नम्रता. Faith. Sees faith and humility. समझ ले दो बातें. आप अगर नम्र रहेगा और विश्वास में रहेगा या विश्वास योग्य रहेगा, प्रभु पक्का आपको आशीष करेगा. If you have faith, and you are faithful, God will definitely bless you. पर आप कहते हैं नहीं, मैं घमंडी, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं पास्टर से ऊपर खत्म, आपकी कहानी खत्म भाई. If you say I know everything, I'm above the pastor, then your story has ended there. खत्म आपकी कहानी, आप कुछ बोलने की दरकार नहीं. You don't have to say further. God will not even look at you. Hallelujah. Hallelujah. मूसा 18 लाख लोगों को ले चलने वाला व्यक्ति नम्रता और परमेश्वर की आवाज को सुनता. Moses, who took 18 lakhs people out of bondage into freedom, was very humble and meek man. He heard the voice of God and obeyed it. आज विश्वासी लोग बढ़ रहे नहीं. कारण क्यों है? क्योंकि विश्वासी लोग के अंदर ही फूट है. The believers are not increasing. Why? Because in their heart they have a spirit of division.
बोलते मैं साथ ऊपर वो साथ नहीं है They say we are with you, but they are not with you. बस ऊपर ही ऊपर दिखावा और बड़ी-बड़ी बात. They talk big things on your face and behind your back. इन दिनों में मैं बता रहा हूँ मेरे लोगों प्रभु उनको ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से दिल की गहराई में अगर उसकी झांकेगा ना उसकी विश्वास योग्यता और विश्वास को पहचानेगा. God is looking and searching for such people. If God looks into the heart, there shall be faithfulness in them. Hallelujah. Hallelujah. Joshua परमेश्वर की आवाज सुना. Joshua heard the voice of God. उसके लोग ने जब ट्रम्पेट बजा के घुमा वो यरीको बड़ी दीवार टूट के गिर पड़ा. When he Joshua blew the trumpet according to God's strategy, and all what happened? The walls came tumbling down. Gideon और उसके लोगों को जार तोड़ कर टॉर्चों उठाकर इन शत्रुओं के सामने प्रभु विजय दिया. God's strategy for Gideon. We see how God only blow the temple and crush the jar with the, and to take up the torch. And he did it. And God gave victory. Yehoshaphat और उसके टीम ने सिर्फ गाया. The strategy for King Yehoshaphat was just to sing and worship. बस प्रभु के सामने बैठो प्रभु आपको नया तरकीब देगा. Sit in the Lord's feet. God give you different strategies. और वो गाते हुए पूरे जो राज्य उनके विरुद्ध है वो जीत गया. The people who opposed them, they got victory over them. जब भी आप शैतान की अटैक या शैतान आपको दबा रहे, when Satan attacks, Satan is posing you down. आपके कानों को परमेश्वर पर लगाओ. Take your always in tune your ears to the voice of प्रभु God. प्रभु आपको नई ताजगी से भरेगा. God will fill you with His freshness. प्रभु आपको ताजगी से भरेगा. God will fill you with His freshness. नया युद्ध नया तौर से लड़ने के लिए आपको New battle, new strategy. God will give you power. Amen. मसीह यीशु में हर युद्ध आपको और मुझे विजय होने का. In Christ Jesus, every battle we have to be victorious. योहन्ना 10 उसका 27 में लिखा है. उसका भेड़ उसकी आवाज सुनता है. John 10:27 says, My sheep hear my voice. उसका भेड़ उसकी आवाज सुनेगा, तो वो पक्का विजय पाए. If his sheep hears his voice, he'll definitely be victorious. क्या आप प्रभु की आवाज सुन रहे? Are you hearing the voice of God? लोगों की आवाज नहीं. Not the voice of people. अपनी आवाज नहीं. Not the voice of self. दुष्ट शैतान की आवाज. Not the demonic voices. प्रभु की आवाज. You're hearing God's voice. Yes. Amen. अगर आप प्रभु की आवाज सुनेगा, If you hear voice of God, आपके घर में झगड़ा नहीं होगा. There will be no fight in your house. पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है क्योंकि आपने प्रभु की आवाज सुनी. There is fight going on between husband and wife because you are not hearing the voice of God. क्योंकि आपके घर में यीशु नहीं दुष्ट आत्मा लड़ाई. In your house there's no God's presence but evil spirits. बातों में लड़ रहे. In little things you fight. आज जो मैं बोल रहा सुनाऊं. बोलो प्रभु को मेरी कानों को खोल दे ताकि तुझे मैं सुनूं. What I say, listen and tell your God. Tell God, Lord, open my ear that we hear your voice. भजन संहिता 23 उसका 2 में लिखा क्या लिखा है? Psalm 23 verse 2 says. वो मुझे. He leads me. Beside the still waters. He leads me beside still water. वो मुझे हरी हरी चराइयों में. He ले चलता है. कब ले चलता है? जब हम उसकी आवाज सुनते हैं. When did he lead us in green pasture? When we hear his voice. हर रोज प्रभु की आवाज सुनते. Every day we have to hear the voice of God. अब जब घर के अंदर बैठा है लॉकडाउन में बोलो प्रभु जी मुझे आपकी आवाज सुनने का. When you're sitting in the house during the lockdown, tell God, I want to hear your voice. जल्दी से आप नहीं सुनेंगे, टाइम लगता है प्रभु की आवाज. Maybe initially you will not hear, but slowly by slowly you will hear the voice of God. दुनिया के पैटर्न दुनिया की चीज लोगों की आवाज से भरा है. Because your ears are filled with the people's voice and the world's voice. That's why you're not able to hear the voice of God. आज कानों को यीशु की लहू लगा. You put the blood of Jesus on your ears. आप बोलो यीशु से मुझे आपकी आवाज सुनने का. Say to God, God, I want to hear your voice. तेरा वचन कहता है मैं आपका भेड़ हूँ आप मेरा चरवा है आप मुझसे बातें करते हैं आज से मैं हर रोज तेरी आवाज को सुनूंगा. Tell God, God, you are my good shepherd. I am your sheep. I want to hear only your voice. आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपको जीतने का है. Do you want to be victorious in every battle of your life? जिस परमेश्वर ने आपको धरती में रखा उसकी आवाज को सुनो. Hear the voice of God who placed you on this earth. सारे व्यक्ति परमेश्वर के वचन में प्रभु की आवाज को सुना. He see great men and women of God heard the voice of God.
तब यहोवा ने मूसा से कहा, God said to Moses, उसका मतलब मूसा, परमेश्वर ने कहा, that means God spoke, उस समय प्रभु यीशु मसीह आज कल हमेशा के लिए वही समान है, Jesus is the same yesterday, today, अगर वो मूसा से बोला तो मुझसे भी बोलेगा, if he spoke to Moses, he'll speak to me, आप बोलते हैं मुझसे नहीं बोल रहे, कारण क्यों, आपने समय नहीं निकाला, you say that God doesn't speak to me, why, because you didn't take time for God, कभी कभी अकेला जाओ प्रभु से बोलो, प्रभु जी आज तक मैं आपकी आवाज सुना नहीं, मुझे आपकी आवाज सुनने का है, sit alone with God, spend time with God, tell God tonight, not hear your voice, I want to hear your voice. कई बार हमारी प्रार्थना हम ही बोलते जाते हैं, हम ही बोलते जाते हैं. Sometimes it's just one way communication, we keep on giving the list of prayers. चुप रह के प्रभु से भी सुनो. But sometimes we just sit still and hear the voice of God. प्रभु शांत विस्परिंग आवाज करेगा. God gives a soft whispering voice. एक ही शब्द प्रभु का काफी है आपका जीवन का हर तहल का खत्म करने के. One little voice of God. एक शब्द प्रभु का काफी. One soft voice of God. अगर उस शब्द को पकड़ लेगा ना, आप पक्का विजय पाएगा. If you hold on to the word, you will get victory. मूसा ने परमेश्वर की आवाज सुना. Moses heard the voice of God. छड़ी लेके नदी में छड़ी रखा, नदी दो भाग हो गया. When he raised the rod over the sea, what happened? The sea divided. आपके जीवन में विजय चाहिए. You want victory in your life? I need to hear the voice you of God. You need to hear the voice of God. Clear, clarity, voice of God. It should be a clear voice of God. वो प्रभु का होना मांगता है. It has to be the voice of God. अगर वो प्रभु का है तो वो आपको आशीष करेगा, आपके सुनने वालों को आशीष करेगा. If the voice is from God, you will be blessed and the person who hears you will be blessed. पिछले दिन एक नया व्यक्ति जिसने कभी भी यीशु मसीह को नहीं जाना. Last week, a man who never heard about the word. पहले बार Facebook live को देखा. He saw Facebook live. वो यीशु को नहीं जानते. He doesn't know. वो कलीसिया नहीं जानते. He doesn't go to church. पर उसने बोला मुझे एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा. He said one thing that I liked about this Facebook live. आप उधर बैठ के जो बोल रहा था ना, मेरे दिल में आग लग रहा था. You were saying that when you were speaking the word in the live Facebook, it was touching and convicting my heart. एक व्यक्ति कभी भी यीशु को नहीं जानता. A person who never know about Jesus. वो इन वचनों को लेकर आशीष पा रहा है. He is taking the word and being blessed. आप और आप जो सालों साल वचन सुन रहे, क्या आप आशीष पा रहे? You were hearing the word of God for so many years. Are you being blessed? वचन सुन के हमको ढीला मन मत छोड़ो. ये वचन परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ है. You hear the voice of God, don't just leave it like that. But remember, this word is filled with the power of God. आपको विजय चाहिए हर युद्ध में. You need victory in every battle. पहली बात, आपको प्रभु की आवाज सुनने की. You have to hear the voice of God. दूसरी बात, जब आपको विजय मिलता है, हर विजय में प्रभु को धन्यवाद, स्तुति, भजन, गीत गाते रहो. When you get the victory through God's strategy, remember to glorify God through songs, psalms and singing. निर्गमन पत्र में देखते हैं मूसा गीत गाया. Exodus 15 we see how Moses after the victory started worshiping and singing songs to God. मरियम ने गीत गाया. It says about Miriam that she took a tabernacle and started singing songs for God. Amen. David. जब आपको कई बार हम क्या होते हैं, विक्ट्री तो मिलते हैं पर उसके बाद हम फिर थक जाते हैं, फिर हम आलसी हो जाते हैं और फिर विजय वापस नहीं आते. Sometimes when we get the victory, but what happens, we become very tired and lose and lazy and we don't get that victory again. पर जब विजय आता है, एक विजय आता है, आप गीत गाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे, प्रभु और विक्ट्रीज आपके जीवन में देंगे. If you get a victory, what should you do? You should keep glorifying God, singing praises and worshiping God. God will give you another victory. दाऊद को देखो. Look at David. भजन संहिता पूरा गीत से भरा हुआ. The whole Psalms was written by David. अधिकतर दाऊद ने लिखा है. It has been written by David. दाऊद एक चरवाहा था. David was a shepherd. एक भेड़ चराने वाला. He used to take care of the sheep. अपने घर में बेइज्जत हुआ. In his own house he was insulted. वो अपना घर में रहते ही नहीं था. He would not even stay in his house. पर वो भेड़ को लेके चराने था. He would take the flock and go for a कभी शेर आते हैं, कभी भालू आता. Sometimes the lion came, sometimes the bear came. He tore them apart. विश्वास योग्य व्यक्ति. But he was very faithful. जो मम्मी पापा ने दिया उसे विश्वास योग्य तक करता. Whatever duty was given by his father and mother, he did it very faithfully. Hallelujah. Hallelujah. इसलिए एक चरवा
नाचते नाचते गीत गाते गाते प्रभु की धन्यवाद करते करते राजा बन गए. Therefore, a little unknown shepherd went on singing and singing, praising, praising, worshipping God, became a great king. कई लोग विजय तो पाते हैं. Many people get the victory. पर प्रभु को स्तुति नहीं देते. But they don't give the name of God to be glorified. They don't thank God. खुद पे गमन करता. They keep priding proud about themselves. मैं इतने साल से विश्वास में. See, I am such a big believer for so many years. मेरा नाम से, मेरा पढ़ाई से, मेरा परिवार से. My qualification, my family. ये सब आपको कुछ नहीं दे. This cannot do anything for you. पर आप प्रभु को धन्यवाद दें. But when you thank God, प्रभु की महिमा करें. Give glory to God. हर विजय पर आप प्रभु को धन्यवाद करें. For every victory, you give glory to God. हर वो युद्ध जो होने वाला आप उस पर विजय हो. Every battle that happens, you will be victorious. Amen. Amen. जब आप विजय होता है, जब आप धन्यवाद नहीं करेगा, आप प्रभु की स्तुति नहीं करेगा, भजन नहीं गाएंगे, वापस शैतान ऐसे ऐसी बात लेके आएंगे जिसमें आप फंस जाएंगे. If after winning the battle you don't give thanks to God, don't glorify, don't praise Him, what will happen? Satan will come and do a mess in your life. हमारे जीवन में विक्ट्री और विक्ट्री और विक्ट्री होने के लिए निरंतर मसीहा में हम धन्यवाद और भेंट चढ़ाते रहें. To have a persistent victory again and again, we must always worship God. हम निरंतर प्रभु की आराधना करें. Always worship God. निरंतर प्रभु की स्तुति करें. Always praise the name of God. वही हमारा विजेता का राज. That is the secret of our victory. Amen. तीसरी बात. Third point. प्रभु हमें सब कुछ प्रबंध किया ताकि हम विजयी हों. God has arranged everything for us that we may be victorious. वे खुद हमारे लिए उपलब्ध है ताकि हम विजयी हों. He himself is available for us to give us victory. निर्गमन 14 उसका 27 और 28 को देखेंगे. Exodus 14 verse 27 and 28 we will see. तब मूसा ने अपने हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया. And Moses stretched forth his hands over the sea. और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर जो कटियो हो गया. Sin returned, the sea returned to the strength. And Misri उलट. And the Egyptians उलट भागने लगे. Fled against it. परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच-बीच झटक दिया. But the Lord overthrew the Egyptians in the midst of the sea. परमेश्वर यहोवा ने समुद्र में डुबा. मैंने पिछले दिन बोला हमारा शत्रु परमेश्वर के शत्रु है. Our enemy is God's enemy. आज जो हमारा विरोध आएगा परमेश्वर उसे झटक देगा. Those who come against us, God will just shake them off. Hallelujah. Amen. जो कुछ परमेश्वर के पास है वो सब कुछ लगा कर आपको विजय देगा. Everything that belongs to God, God will give it, make it available for you to have the victory. Come on, Joshua, जो कुछ मेरे पास प्रभु दिया है. Whatever God, say with me loudly. Whatever God has given in my hands. जो भी प्रभु है. Whatever God is. वो सब कुछ सामर्थ के साथ मुझ पे दाव लगाकर मैं शत्रु पर विजय हूँ. Everything He gives me so powerfully that I'll be victorious over the enemy. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर ने मूसा को ज्ञान दिया. God gave wisdom for to Moses. 14, 15 और 16 में लिखा है मूसा को क्या दिया? ज्ञान दिया. God gave in Exodus 14, 14 and 15, God gave wisdom. परमेश्वर ने ज्ञान दिया. God gave wisdom. शत्रु अटैक किया. Satan attacked. The enemy attacked. मिस्री लोग अटैक किया. The Egyptian attacked him. पर परमेश्वर ने ज्ञान दिया. God gave him wisdom. और परमेश्वर की ज्ञान के द्वारा वो शत्रु पर विजय हुआ. Through the wisdom of God, he became victory. He got victory over his enemies. उसका दाहिने हाथ बढ़ाया और शत्रु पर विजय. He just stretched forth his right hand and he got victory over enemy. 15:10 में कहता है, 15:10 पढ़ो. Shall we read Exodus 15:10? तूने अपने शाश्वत और पवन चलाया, तब समुद्र ने उनको ढांप लिया, वे महाजल वृष में सिस के समान डूब गए. हमें It says in Exodus 15:10, Thou didst blow with thy wind, and the sea covered them. They sank as lead in the mighty waters. परमेश्वर की सांस और ताकत हमारे साथ है ताकि शत्रु शैतान डूब मरेगा. God's breath and power is there with us that Satan enemy will totally be destroyed and drowned. परमेश्वर मेरे साथ है ताकि मैं हर युद्ध को विजय पाए. God is always with me that I may be victorious in every battle. वो जो कुछ है सब कुछ मेरे लिए प्रबंध करता है ताकि मैं विजय हूँ. Whatever he is, he makes available for me that I may be victorious. उसका सांस क्या लिखा है?
What is written there? तुमने अपना सांस और पवन चलाया और समुद्र and sea covered them and the sand as a lead. क्या मूसा के पास सामर्थ्य था? Did Moses have power? No. मूसा को परमेश्वर ज्ञान दिया. God gave wisdom for Moses. मूसा से प्रभु बात किया. God spoke to Moses. अब वो हो गया. And happened. अब परमेश्वर ने उसे किया. God did it for him. नदी को ऐसा मारा कि पूरा मिस्री डूब मर गया. The Lord just blew over the wind that all the Egyptians sank in the water. Amen. Amen. निर्गमन 14 उसको 19 और 20 It says 14, 19 and 20. तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनको पीछे हो गया और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जाता And the angel of God which went before the camp of the sun removed and went behind them and the pillar of the cloud went from before their face and stood behind them. जब आप परमेश्वर की आवाज सुनेगा परमेश्वर के दूत आपके साथ Holy angels are there with परमेश्वर की महिमा आपके साथ God's glory will be with you. ताकि आप विजयी हो so that you may be victorious. जो से बोलो ना मैं विजयी हूँ Say I'm victorious. क्योंकि परमेश्वर के दूत मेरे साथ Because the angels are with me. मूसा के साथ परमेश्वर के दूत था With Moses there were the host of holy angels. परमेश्वर की महिमा था God's glory was with him. बादल की महिमा उनके ऊपर थी. The cloud of glory was upon him. इसलिए वो मिस्री लोग डूब मर गए. Therefore the Egyptians drowned and they were killed. Amen. Amen. परमेश्वर यीशु मसीह में सारी अधिकार और सारी बातें. In Christ Jesus every authority, every हमेशा power. हमेशा के लिए. Always. अनंतकालिक के लिए. For eternity. प्रभु हमको विजय दिया है. Has given us persistent victory. Ephesians chapter 1 verse 20 we won't read it. हमेशा के लिए Forever. और मुझे विजय बनाया. And God made me victorious. परमेश्वर कहता है मत्ती 28 उसके 18 में स्वर्ग के अधिकार मेरे मुट्ठी में है Therefore Matthew 28:18 says the authority of heaven and earth is in my hands. धरती के अधिकार मेरे मुट्ठी में. The authority of the पाताल के अधिकार मेरे मुट्ठी में. The authority under hell of the hell is under जाओ, me. तुम जाओ मैं तेरे साथ हूँ. तुम जाओ मैं तेरे साथ हूँ. Go therefore I am with you. Hallelujah. प्रभु हमारे साथ है. God is with us. सांपों को पिछो लूका 10 उसका 19 देखो मैं तुम्हें To trample over serpents and scorpions. मैं तुम्हें अधिकार दिया मैं तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने के अधिकार दिया शत्रुओं की सारी सामर्थ्य अधिकार दिखाया किसी बात तुम्हें कुछ भी हानि न हो पर तू इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारा वश में है परंतु इससे आत्मी आनंदित होना कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखा है हालेलुया हालेलुया जोर से बोलो ना मेरा नाम माय नेम स्वर्ग की किताब में से लाउडली माय नेम इज रिटन इन द बुक ऑफ हेवन हां जोर से बोलिए ना ये आपको नहीं समझ में आ रहा पर आप बोलिए ना आप यू मे नॉट अंडरस्टैंड बट से इट लाउडली प्रभु आपको सिखाएगा गॉड विल टीच यू सबसे आपके धरती में कोई किताब में नाम नहीं है तो भी चलेगा नो रेशन कार्ड नो पैन कार्ड नो आधार कार्ड पर आपका नाम अगर स्वर्ग के किताब में लिखा है उसके लिए आप आनंदित होने का है See, if you don't, your name is not in the ration card, not written in big books, but if your name is written in the book of heaven, that's enough. Hallelujah. Hallelujah. जोर से बोलो ना, दिल में हाथ रख के बोलो मेरा नाम. On your chest and say, my name. जीवन के पुस्तक. Is written in the book of life. स्वर्ग में रखा वाला किताब. It's written in the book kept in heaven. मेरा नाम लिखा गया. My name is written. मैं उसलिए आनंदित. Therefore I shall rejoice. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर खुद आपको मदद करेगा. God will himself help you. प्रभु का दूत आपको मदद करेगा. God's angels will help you. उसका तोहफा उसका गिफ्ट सब वरदान आपको आशीष करेगा. God's gift is always with you to help you. परमेश्वर का कॉलिंग आपके जीवन में वो आपको मदद करेगा. God's calling is upon your life that will help you. परमेश्वर का लहू आपको मदद करेगा. God's blood will help you. उसका नाम आपको मदद करेगा. His name will help you. उसके लिए जो गवाह देते हैं वो आपको मदद करेगा. The testimony you give will help you. ताकि आप विजयी हो. That you may be victorious. My God, कितना backup हमारे लिए. See the backup of the sources that we have. Total victory in Christ Jesus. Therefore we have total victory in Christ. इसलिए छोटी-छोटी बातों में फंसो मत. So don't get stuck up with little things. Go for big things. God, go for big things. जाओ बड़ी-बड़ी कार्य. Do for बड़ी-बड़ी कार्य करो.
बड़ा बिजनेस करो, डू बिग बिजनेस, बड़ा नौकरी करो, डू बिग वर्क, उत्तम बातों को पाओ, डू एक्सेलेंट, प्रभु आपको बड़े कार्य करने के लिए रखा है, गॉड हैज केप्ट यू फॉर ग्रेट थिंग्स, हालेलुया, हालेलुया, आपका विजय दूर नहीं आपके पास है, victory is not far, victory is near. दुनिया वाले हार गए, थक गए, क्या करने को मालूम नहीं, पर हमारा विजय का दिन, विजय का कदम चालू हो रहा है, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ. The people of this world don't know what to do. They are defeated. They are tired of. But our day of victory has begun. आपको मालूम होना चाहिए आप किसके साथ जुड़े हैं. You should know with whom you are connected. जोशे बोलो ना मैं यीशु के साथ जुड़े हैं. Say I'm connected with Jesus. हर रोज स्तुति और आराधना करने की आदत लगा. Every day make it a habit to praise and worship God. प्रभु की महिमा करो. Worship God. हमारा God mighty warrior है. Our God is a mighty warrior. और उसकी legacy में आप celebrate करो. Celebrate his legacy. हर रोज उसकी वचन को confess करो. Declare his word every day. भजन संहिता 60 उसका 12. Psalm 60 verse 12. कोई निकाल रहे हैं? वचन लेके बैठिए. अनेक वचनों को मेबल में लिख के लो. हर रोज confess करो. प्रभु आपको आशीष करेंगे. Psalm 60 12. परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे. Through God we shall do valiantly. Come on, जोर से बोलो ना. परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे. Through God we shall do valiantly. अद्भुत वचन. It's a very amazing word. परमेश्वर की सहायता से हम tell loudly. Through God we shall वीरता दिखाएंगे. Do valiantly. क्योंकि हमारे शत्रुओं की वही God will tread down our enemies. हमारे शत्रुओं को वो रौंदेगा. God will tread down our enemies. रोमियो 8 उसका 37 में लिखा है, प्रभु मुझे जयवंत से भी बढ़कर बनाया. Romans 8:37 says we are more than a conqueror in whom he loved us. कितने लोग विजय होंगे? How many will be victorious? प्रभु मुझे जयवंत से भी बढ़कर. God makes me more than a conqueror. परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे. Through God we shall do valiantly. हम अपनी सामर्थ्य नहीं, परमेश्वर की, ना तो बल से, ना तो शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं और आप सब कुछ कर सकता है. Not by mind nor by power, but by the Holy Spirit we can do everything. इन दिनों में विश्वासी लोग, विश्वासी लोगों को प्रभु अद्भुत तौर से इस्तेमाल करने वाला है. These days God will use the believers in a mighty extraordinary. मैं विश्वास करता हूँ. I believe it. सोया हुआ विश्वासियों को जागृत कर रहा है. Let the people who are sleeping be revived. एक बेदारी हमारे इंडिया में आने वाला है. There's going to be a revival in India. मत फंसो छोटी-छोटी बातों में. Don't get stuck up in little works. छोटी-छोटी बातों में मुंह फुला के मत बैठो. Don't sit puffed up with little things. Enjoy the presence of God. Ensure प्रभु की उपस्थिति के मजा. जो जो विजय आपके जीवन में हुआ है उन विजेता को देखकर प्रभु की महिमा स्तुति करो. Seeing the victory that God has given you, keep rejoicing and praising God. अनेक विक्ट्री आपके जीवन में आने वाला है. There are many more victories yet to come in your life. जो हुआ है उससे satisfy मत. Don't be satisfied with what was happened. इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, मैं पिछली बातें भूलकर आगे को रखा हुआ लक्ष्य की ओर. Therefore Paul says, I forget the former things and keep pressing on towards the goal which God has called me. Strategic battle in Christ में तीन बातों को बताया. I talked about three things in strategic battle. परमेश्वर की आवाज सुनो. Hear the voice of God. तब आप उसकी स्ट्रेटजी को जानेंगे. Then you will know the strategy of God. आपका हर विक्ट्री, हर बैटल, हर विक्ट्री अलग होगा. Every strategy is different for different battle. जब विजय होता है हमेशा प्रभु को धन्यवाद करें. Glory to God. जब आप प्रभु को धन्यवाद करेंगे, glory to God. El Shaddai परमेश्वर जो सब कुछ प्रबंध करने वाला, सब कुछ आपके लिए प्रबंध करेगा. El Shaddai God will make everything available for you. अनेक विजेता प्रभु आपको देने वाला है. Many victory God will give in your hands. वचनों से प्रभु आपको आशीष करे. God bless all of us. आइए हम जल्दी से प्रार्थना करें. Shall we pray? Yeah. Hallelujah. Wasn't that an amazing word? अद्भुत वचन था ना? See, in this world you have warfare. इस दुनिया में आपको युद्ध है. As a believer, एक विश्वासी के पास, you have an enemy. आपका एक शत्रु है. His name is Satan. उसका नाम है दुष्ट शैतान. That's why we have a spiritual warfare. इसलिए हमें आत्मिक युद्ध है. But our enemy, we cannot see him. हमारे दुष्ट शैतान को हम देख नहीं सकते. Because there's an invisible world. और एक अनदेखी दुनिया है. It's a spiritual world. वो आत्मिक दुनिया है. Therefore, we need the power of the Holy Spirit to help us.
और हमें पवित्र आत्मा चाहिए जो हमें मदद करे. Without which we can't fight in the invisible world. और उसके बिना हम अंधे की दुनिया पे जीत नहीं सकते. Therefore we need to hear the voice of the Holy Spirit. इसलिए हमें पवित्र आत्मा की आवाज सुनने का. Our own voice and the voice of the world. और हमारा खुद का वॉइस और दुनिया की वॉइस और शैतान की वॉइस. What will happen to us? तो क्या होगा? It will bring fear into your life. अब वो आपके जीवन में डर लाएगा. Panic. Tension. घबराहट लाएगा. Tension. कभी घटी लाएगा. And you can't fight the devil. और फिर आप शैतान पर विजय नहीं हो सकते. It will drown you. वो आपको डुबा देगा. And you cannot fight. आप फिर लड़ नहीं पाएंगे. You will take away your joy अभी. आपका आनंद को ले जाएंगे. So what should you do? आप क्या करेंगे? Always sit at God's feet. परमेश्वर की उपस्थिति में बैठिए. And hear the voice of God. परमेश्वर की आवाज को सुनिए. It will help you to get victory. वो आपको विजय देता. The whole day God will be with you. वो सारा दिन प्रभु आपके साथ रहेगा. Nothing can come against you. और कुछ भी आपके विरुद्ध नहीं आ सकता. You will be peaceful the whole day. और आपको पूरी शांति मिलेगा पूरा दिन. Shall we pray God help you to hear your voice? क्या हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपकी आवाज को मैं सुनना चाहता हूँ. Isaiah 30:21 says. यशायाह की किताब 30 उसका 21 में लिखा है. You will hear the voice saying, "This is the way, walk in it." आप परमेश्वर की आवाज सुनेंगे कहते हुए कि इधर चल मैं तुझे चला रहा हूँ. And we need to hear that voice. हमें उस आवाज सुनने का. Romans 8:14 says. रोमियों 8:14 कहता है. Those who are led by the Spirit of God are called the sons of God. जो पवित्र आत्मा से अगुआ किए जाते हैं वो परमेश्वर के संतान कहलाते. Shall we hear the soft whispering voice of the Holy Spirit? क्या हम परमेश्वर की मीठी आवाज को सुनेंगे? Because those who are his sheep will hear his voice. जो उसकी भेड़ है उसकी आवाज को वो सुनेंगे. Let us pray. आइए प्रार्थना करें. You want to hear the voice of God? अब प्रभु की आवाज सुनना चाहते हैं. Pray with us. हमारे साथ प्रार्थना. Close your eyes. आंखों को बंद करिए. Tell God I want to hear your voice. प्रभु को बोलिए प्रभु जी मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ. Heavenly Father. स्वर्ग के पिता. Open my ears. मेरी आंखों को खोल दे. Open my ears. मेरी कानों को खोल दे. To hear your voice. ताकि तेरी आवाज को सुन. You promised me. तूने वादा किया परमेश्वर. That my your sheep will hear your voice. आपकी भेड़ आपकी आवाज सुनता है. I am your sheep. मैं आपका भेड़ हूँ. Speak to me, Holy Spirit. हमसे बातें कर. Holy Spirit, I need your fellowship. पवित्र आत्मा मुझे आपकी संगति चाहिए. Every step of my life. मेरे जीवन के हर कदम. You guide me. हमें चला प्रभु जी. In spiritual life. आत्मिक क्षेत्र में. In family life. पारिवारिक क्षेत्र में. In office life. ऑफिस लाइफ में. बिजनेस के जीवन में. Bring up my children. कैसे मैं अपनी बच्चों को. Every area of my life. मेरी जीवन के हर छोर पर. I want to hear your voice. मैं तेरी आवाज सुनना चाहता हूँ. So I can fulfill the divine destiny which you created me for. ताकि जो मकसद जो लक्ष्य हमारे लिए लगा है प्रभु जी वो हम पा सकें. Thank you God. धन्यवाद ईश्वर. I believe. मैं विश्वास करता हूँ. I hear your voice. मैं आपकी आवाज सुनूंगा. I put the blood of Jesus on my ears. हम अपने कानों में यीशु की लहू लगा देता हूँ. It will open to hear only your voice. वो आवाज यीशु का मैं सुन सकूं. In the name of Jesus, I shut every voice. मैं सारी आवाजों को बंद कर देता हूँ. In Jesus' name. यीशु के नाम से. The voice of world. दुनिया की आवाज. Voice of self. मेरी खुद की आवाज. The voice of Satan. दुष्ट शैतान की आवाज. I shut it in Jesus' name. मैं उसे बंद देता हूँ, बंद कर देता हूँ. I open my ears to hear your voice. मैं तेरी आवाज सुनने के लिए अपने कानों को खोल देता हूँ. And Lord, help me to obey your voice. ताकि मैं आपकी आवाज सुनकर उसकी आज्ञा पालन करूं. Help me. मदद कर प्रभु. As Joshua. Joshua. Daniel. Daniel. Everyone heard your voice. सबने तेरी आवाज सुना. And they could direct themselves and the people. ताकि वो अपने आप को दूसरों को दिशा दिखा सके. Could direct them. दिशा दिखा. And get victory. और विजय पाए. Help me. मदद कर प्रभु. To lead my family. मेरी परिवार को. Lead everything according to your will. जो कुछ आप चाहते हो उसी तरह होने दे. Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु. In Jesus name I pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं. Amen. Amen. The second thing apostle taught us. दूसरी बात प्रेरित ने सिखाया. That whenever we get victory. जब भी हमें विजय मिलता है. We should not forget it.
हमें भूलने का नहीं. We must give thanks to God. हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना. Every man and woman of God. हर परमेश्वर के दास और दासी. After every victory. हर विजेता के बाद. Give glory to God. आप परमेश्वर की महिमा किया. But we will do one thing more. और एक चीज हम करेंगे. We will give victory before the. We will give praise even before the victory. विजय होने से पहले हम विजय देंगे. धन्यवाद देंगे, स्तुति. Just like Jesus went before the tomb of Lazarus. यीशु मसीह ने लाजरस के कब्रिस्तान के पास गया. And what did he pray? उसने क्या प्रार्थना किया? Father, thank you, you heard me. पिताजी, हम धन्यवाद करते हैं, आपने मुझे सुन लिया. You always hear me, I know. आप हमेशा हमें सुनता है, धन्यवाद. But for this people, do this great work. और इन लोगों के लिए बड़ी कार्य आप करिए. And what happened when we thank God in advance? जब हम पहले से ही प्रभु को धन्यवाद करते हैं. The tombstones will open. कब्रिस्तान की पत्थर खुल जाएं. The dead things will open. मरे हुए जीवन पाएंगे. And the doors that were closed for so many years will open. जो दरवाजा कई सालों से बंद है वो खुलने लगेगा. The prayers which were not answered till now will open. अभी तक जो प्रार्थना उत्तर नहीं मिला वो उत्तर आने लगेगा. And things will start moving in your life. और आपके जीवन में कुछ नएपन होगा. And your miracle will happen. और आपके जीवन में चमत्कार होगा. So shall we thank God for everything that he has done and that's going to do? और जो भी प्रभु ने आपके जीवन में किया है और करने वाला, उसके लिए हम धन्यवाद करेंगे. Then what will happen? God will definitely answer our prayer. तब परमेश्वर जरूर हमारी प्रार्थना को उत्तर देगा. That is called faith. उसको कहते हैं विश्वास. When we thank God even before we get some things. आज जब हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं हमें मिलने से पहले. Shall we pray? आइए प्रार्थना करें. Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we thank you. हम तुझे धन्यवाद देते हैं. The word says in Philippians 4:6-7. फिलिप्पियों 4 उसका 6 और 7. Do not be anxious about anything. किसी बात की चिंता मत करो. With prayer and petition. प्रार्थना और विनती के साथ. With thanksgiving in your heart. अपने दिलों में धन्यवाद देते हुए. Make your request known to God. अपनी इच्छाओं को परमेश्वर को बताओ. And the peace of God that passeth all understanding. और जो समझ, जो परमेश्वर की समझ से, हमारी समझ से परे है. The peace of God. परमेश्वर की समझ. Peace, peace, शांति. Will rule over my heart and mind in Christ. मेरे दिल और मेरे मन को राज्य करे. Thank you, God. धन्यवाद यीशु. You answer all my prayer. तूने हमारी सारी प्रार्थना का उत्तर. The doors which were closed till now. जो दरवाजा आज तक बंद था. I thank you, you opened it. आपने खोल दिया, धन्यवाद. I'm receiving my miracles. हम तेरी चमत्कार को पा रहे. I'm receiving my blessing. हम तेरी आशीष को पा रहे. I'm receiving my victory. हमारे विजेताओं का हासिल कर. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you for my household which are saved. हमारे घर के लोग जो उद्धार पाए, धन्यवाद. Thank you for my children who obey us. हमारे बच्चे आपकी आज्ञा पालन करते, हमारी आज्ञा पालन करते, धन्यवाद यीशु. Thank you for my spouse which are getting saved. हमारे पति लोग, पत्नी लोग जो उद्धार पा रहे, परमेश्वर. Thank you that relationship between our spouses are getting healed. पति पत्नी के बीच में रिश्ते चंगा हो रहा, धन्यवाद. Thank you for healing our lives. हमारी जीवनों को तू चंगा कर रहा, धन्यवाद. Thank you for multiplying our business. हमारी बिजनेस को तू गुणवत्त कर रहा, धन्यवाद. Thank you for the salary which is coming in full in our life. आज जो पगार पूरी तौर से आ रहा, धन्यवाद यीशु. We give you all the glory. सारी महिमा तुझे देता. Because you are worthy. क्योंकि आप ही उसके योग्य. Thank you, Father. धन्यवाद यीशु. In Jesus name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I like the words what Pastor said in Psalm 60:12. और भजन संहिता 60:12 जो वचन है. This word is always on my mind. और ये वचन हमेशा मेरा मन में है. What is that? Through God we shall do valiantly. आप परमेश्वर के द्वारा वीरता की काम करेंगे. It is he who tread down our enemies. अब वो शत्रुओं का सामना करता है. He treads them down. उसे रौंद देता है. Every day keep saying this. हर रोज ये वचन बोलिए. God, I shall do valiantly. परमेश्वर के द्वारा मैं बड़े-बड़े कार्य करूंगा. He will tread down all my enemies. मेरे सारे शत्रुओं को वो रौंद डालेगा. Hallelujah. Hallelujah. See, as apostle taught us. जिस तरह प्रेरित ने सिखाया. When we hear the voice of God. परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे. God will make himself available for us. आप परमेश्वर हमारे लिए उपलब्ध करेगा. He said, "Here I am. What do you want?" परमेश्वर कहेगा, मैं इधर हूँ. क्या चाहिए तुम्हें? Hallelujah. Hallelujah. When Bartimaeus cried out. Bartimaeus ने रोया. The creator stood still. और जो सृष्टि करता है वो रुक गए. And told, "What do you want, Bartimaeus?" और उसने रुक के कहा, Bartimaeus क्या चाहिए तुम्हें? Book of Isaiah says.
यशायाह की किताब कहता है, God tells us, ask me. अब परमेश्वर का वचन कहता है, तू मुझसे मांग. Concerning the work of my hands. मेरे हाथों की काम के लिए. You ask me. मुझसे मांग. I will give you. मैं तुझे दूंगा. Yes. When we hear the voice of God, God will make Himself available for us. जब हम परमेश्वर की आवाज सुनेगा, परमेश्वर खुद को हमारे लिए उपलब्ध करेगा. He will make His resources available for us. उसकी जो प्रबंध है, उसके जो पास है, वो सब कुछ हमारे लिए उपलब्ध है. And not only that, He will give His angels in charge over us. हमारे लिए अपने दूतों को आजाद करेगा. They will guard us in all our ways. वो हमें गार्ड करेगा, सुरक्षा करेगा. Cut off all our enemies. और हमारी सारी शत्रुओं को नाश कर देगा. And we'll go forward and get the blessing. और आगे जाकर हमें आशीष दिलाएगा. We will pray. आइए हम प्रार्थना. Heavenly Father. स्वर्गीय पिता. We thank you. हम तुझे धन्यवाद देते हैं. Because we believe you exist. हम जानते हैं आप हैं परमेश्वर. And you reward us with diligently seek after you. और आप हमें पुरस्कार देता उसके वजह से धन्यवाद प्रभु जी. Thank you, Dad. We seek after you. हम आपके पीछे चलते हैं. We hear your voice. आपकी आवाज को सुनते हैं. And we know when we hear your voice. और हम जानते हैं जब हम आपकी आवाज सुनते हैं. You make yourself available for us. आप हमारे लिए अपने आप को उपलब्ध करते हैं. Make your resources available for us. हमारे आपके लिए आप अपने स्रोतों को हमारे लिए खोल देता है. The word says in Philippians 4:19. Philippians 4:19. My God shall supply all my needs. मेरा परमेश्वर मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा. According to his glory, riches in Christ Jesus. महिमा से भरा हुआ, धन से भरा हुआ. There is no lack in your kingdom. तेरे राज्य में कोई कमी घटी नहीं. There is abundance in lack. बहुत आए के प्रभु जी. Even in lack we get abundance. और कभी घटी में भी बहुत आए आने वाला है. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you for holy angels who are 24/7 around us. धन्यवाद दूतों को आपने आजाद किया हमारी चारों ओर. For our protection. हमारी सुरक्षा के लिए. For our victory. हमारे विजय के लिए. For our blessings. हमारी आशीष के लिए. And release angels, go holy angels. और हम दूतों को आजाद करते हैं. Go and get the full salary for our people who are watching us. हमारे लोग जो देख रहे परमेश्वर उनकी सारी नौकरी दूत लोग लेके आ रहे यीशु मसीह. Full salary. सारी पगार. Get it in Jesus' name. आने दे यीशु मसीह के नाम. Will these angels go and get that organ which is missing in the body? उनके शरीर में जो अंग कम है प्रभु जी, वो अंग को यीशु मसीह के नाम. Just go and get it in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से वो अंग वापस आने दे. We go and only angels and get it. दूत लोग जाए यीशु के नाम से लेके आ. Release angels, go and get our children back. हमारी बच्चों को तू वापस लेके यीशु मसीह के नाम. We have gone away from houses. आज जो घर से निकल गए हैं. We command angels, go and get them. हम दूतों को आजाद करते हैं वो घर वापस आए यीशु के नाम. And get the spouses back wherever they are. आज जो उनके पति पत्नी में रिश्ते में दरार है उन्हें वापस लेके यीशु मसीह के नाम. Thank you for holy angel ministration. पवित्र आत्मा पवित्र दूत की सेवकाई के लिए धन्यवाद प्रभु जी. Hebrews 1:14 says. Hebrews 1:14. Are not angels ministering spirits? दूत लोग सेवा करने वाले आत्माएं हैं. Who minister unto us? जो हमारी सेवा करते. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते. Amen. Amen. Apostle, lead us further in prayer. हाँ, ये प्रार्थना करेंगे. अगली प्रार्थना सारी कोरोना वायरस सरकार के लिए, कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए, प्रभु हमारी इंडिया को आशीष करें. गॉड ब्लेस इंडिया. दो पल मिलके प्रार्थना करें. स्वर्गीय पिता धन्यवाद इस समय. फादर वी थैंक फॉर दिस ब्यूटीफुल टाइम. सारी कोरोना वायरस अफेक्टेड लोगों को प्रे फॉर ऑल द कोरोना वायरस अफेक्टेड पीपल. तेरे सामने लाता हूं. यू ब्रिंग देम तूने चंगा कर. Heal them. कोई मरेंगे नहीं. Nobody will die. जिंदा रह के तेरी महिमा. उनकी आत्मिक आंखों को खोल दे. Lord, open their eyes. तू जाने. That you will be knowing. वो सारी परिवार. Let all their families. कोरोना वायरस में affected है. Those who are affected is कोरोना वायरस. उनके लिए प्रभु जी आप नए रास्ताओं को खोल. Lord, open new ways for them. नए कुंजियों को दे. Give them new keys. वो जानने दे कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर. They will know that you are the only living God. हर एक घुटना टेकने दे. Let every knee bow. हर एक जुबा अंगीकार दे. Every tongue confess. यीशु ही प्रभु है. That Jesus Christ is Lord. That Jesus is Lord. दिनों में प्रभु जी हमारी शहरों में. Lord, these days that there be a revival in our city. हमारी शहरों में बेदारी आए. That there be revival in our city. देख लोग झुंड के झुंड. Let multitudes of multitudes. यीशु मसीह के पास आए. Come to Jesus. यीशु ही सहारा है. Jesus is our यीशु ही जीवन है. Jesus is यीशु ही रास्ता है. Jesus is the way. धन्यवाद यीशु आपने हमारे लिए सब कुछ किया. Thank you that you have done everything for us.
सरकार के लिए प्रार्थना करें, प्रे फॉर आवर गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट को तेरे हाथ में, ब्लेस गवर्नमेंट ऑफ मोदी लॉर्ड, सारे चीफ मिनिस्टर को तेरे, ऑल आवर चीफ मिनिस्टर्स, सारे डॉक्टर्स को तेरे हाथ में, प्रे द डॉक्टर्स, नर्सेस, एनजीओस जो काम कर रहे हैं, एनजीओस आर सर्विंग, सबों को तू आशीष दे, ब्लेस ऑल ऑफ देम, इंडिया आजाद है इसलिए, इंडिया इज फ्री देयरफॉर वी थैंक यू, इंडिया कोरोना से आजाद है धन्यवाद, इंडिया डिलीवर्ड फ्रॉम कोरोना वायरस, इंडिया यीशु की लहू से आजाद है धन्यवाद, बाय द ब्लड ऑफ जीसस दे आर डिलीवर्ड, 140 कोटी लोग यीशु को जानते हैं, 140 crores will know Jesus in India, इन दिनों में कलीसियाओं को तेरे हाथ में, लॉर्ड वी ब्लेस ऑल द चर्चेस, पास्टर्स लोगों को तेरे हाथ में देता, वी गिव द पास्टर्स इन योर हैंड, एक दूसरे को उठाने के लिए, लेट एवरी पास्टर लिफ्ट वन अनदर, आशीष करने के लिए, ब्लेस ईच अदर, एक दूसरे उन्नति पाने के लिए, गेट अ ब्लेसिंग ऑन वचन के द्वारा, टू द वर्ड ऑफ गॉड, ज्ञान और बुद्धि से भर दे, सिस्टम ऑफ गॉड, हर पास्टर, लेट एवरी पास्टर कलीसियाओं को, ब्लेस देयर वचन सिखाकर, teach the church the word of God and prepare them for the radiant bride, for the coming of Jesus, to prepare them, har wo kalisha ko raise them up, bless all churches, to pada bless and enlarge our church, hazar lakh karodo log aane de, thousands and lakhs of people, wo kalisha wo shehar mein hospital se badhkar hone de, let the church be in that place greater than the hospitals, wo kalisha chinha aur chamatkar se kaam kare, let the church work with signs and miracles, holy spirit filled church, kaarya karta ho, doing mighty things, har kalisha prabhu ji changai ka sthal hone de, let every church be a healing center, har bimari log changai paaye, let every person, yeshu masih ke naam se, in Jesus name, apne pet ke changa kar rahe, send for the word and heal them, yeshu hi prabhu hai, Jesus is lord, yeshu hi masih hai, Jesus savior, apne hamari sari prarthna, you heard all our prayer, aaj ke vachan jo suna hai, today what we heard, unke dilon mein tu kaarya kar, हमें देखने वाले सबों को तू आशीष, अगर कोई बीमार है उन्हें छू कर आप ही चंगा कर, अगर कोई दुष्ट आत्मा से परेशान है तो छुटकारा पा, मंत्रवादी अंधकार की शक्ति शैतानी ताकत नष्ट हो जाए, चंगाई की नदियां बह फ्लो, हर व्यक्ति जो देख रहा वो चंगा बने, दवा बनने दे, दवाई बना प्रभु, bring them a test, ताकि गवाही के द्वारा, एक गवाही के द्वारा दूसरा गवाही, हजारों गवाही हमारे बीच में हो, क्योंकि आप ही चमत्कारी परमेश्वर, you are the miracle working God, धन्यवाद देते, we give you glory, आपकी महिमा करते, we give you glory, आपकी स्तुति आराधना करते, we give you the praise and worship, हमारे द्वारा आपकी महिमा हो, through us, हमारे लोगों के द्वारा आपकी महिमा हो, through our people your name may be glorified, आशीष किया धन्यवाद, we bless thank you, यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर, hear and answer, आमेन, सबने कहा, and all God's people say, हर रोज सुबह हम 7 बजे आते हैं, every morning we come in the morning, आएंगे, I'm with you, come, विश्वास योग्य से, be faithful and come, अगर एक ग्लास पानी देगा आपको पुरस्कार, there is a reward for one glass of water, अगर आप आकर प्रार्थना करेंगे कितना अधिक पुरस्कार, how much more when you come and pray, पिता परमेश्वर का प्रेम, love of God, यीशु मसीह की अनुग्रह, praise the Lord Jesus, पवित्र आत्मा की सौभाग्य, हम सबों के साथ, be with all of us, यीशु की बातों में आने बने रहे, और सबने कहा, and everyone said, आमें, बोला यीशु